आइए फ्रेंड्स, गणेश जी की स्थापना कर दिया मैंने और अब पूजा करते हैं और आरती करते हैं। हो गई हमारी पूजा फ्रेंड्स और हो गया है हमारा हवन। और ये फर्स्ट टाइम मैंने हवन का इंतजाम किया था और हवन यस गणेश जी आ गए हैं और गणेश जी का आगमन हो चुका है। पापा घर आ गए हैं और अब 10 दिन खुशियों का दिन बहुत चहल पहल रहेगा और रोज सुबह से ही सेवा का एक अलग सा कि आज क्या करना है, आज क्या भोग लगाना है। और बहुत ही खूबसूरत ये 10 दिन रहेंगे और काम के साथ साथ भगवान जी का भी, और एक अलग ही माहौल होता है जब से भगवान जी को रखने लग गए हैं गणेश जी को। तो बस वेट रहता है, पूरे साल भर इंतजार रहता है। हवन भी कर लो, शायद मुझसे एग्री करेगा, जो भी गणेश जी को रखते होंगे वो अपने अपने अनुसार की कौन कितने दिन कर पाता है उस हिसाब से हम रखते हैं। और आ गई है माँ हवन के लिए और बस। और ये हवन करके सच में घर में बहुत ही अच्छा लग रहा था और ये कुंड लेके आई हूँ। तो आप बार बार जब भी हो, तो जब भी कोई भी पूजा, तो अपन हवन कर सकते हैं। और गणपति बप्पा
गणेश जी मंगल मूर्ति हमेशा उनका आशीर्वाद घर पर बना रहे। सब गणेश जी का स्थापना भी, और जैसा कि आपने देख ही लिया है। और अब मैं जा रही हूँ खाने, तो बस अब मेरा पारण होगा, पहले गणेश जी और उसके बाद तो और एक बार बप्पा का दर्शन कर लीजिए। ये रहे बप्पा। भगवान अपनी कृपा बनाए रखना। खाना चलो खाओ, तुम भी पारण करो। मार वाला टाइम कितना हो रहा है? 10:30 होने जा रहा है। साथ ये तीज वाला ब्लॉग यही एंड करती हूँ फ्रेंड्स, और बस स्टार्ट कर दूँगी आज गणेश जी का ब्लॉग, गणेश जी की स्थापना वाला ब्लॉग वो भी शुरू हो जाएगा, और ये तीज का ब्लॉग यहाँ समापन होता है। एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड डू लाइक शेयर एंड कॉमेंट। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू। Returning from Chedul and finally halted in Dawat. Yes, you can see little and had little samka, shamka snacks and the coffee, and now returning back home. So this was everything for today, and finally the day came comes to an end. Thank you all for watching, and if you have not subscribed to the channel, do subscribe it, like, share and comment. Thank you all. Thank you for watching. Thank you so very much.